गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या है? ज़ीरो बेस इसका मतलब क्या है कि जब हमने बजट बनाना है तो सभी चीज़ें हमने फ्रॉम स्क्रैच शुरू करनी, यानी कि फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करनी सभी चीज़ें। ठीक है, बजट बनाने के लिए सभी चीज़ों को दोबारा से हमने फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो किसने दिया था, ये प्रपोज किसने किया था? पीटर पायल ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेशन USA। ठीक है, तो अगर इसका हम मीनिंग देखें तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? अ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वायर्ड इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब क्या है? ये एक बजटिंग का प्रोसेस है कि कैसे बजट बनाना है, जिसमें हर एक मैनेजर को चाहिए कि अपना पूरा बजट जो है वो डिटेल में मेंशन करे फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि फ्रॉम ज़ीरो लेवल से वो दोबारा से सारी इन डिटेल में बजट को जस्टिफाई करे। एंड शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ टू ईच मैनेजर टू जस्टिफाई व्हाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल। इससे क्या होता है कि जो बर्डन है हर एक मैनेजर पर पड़ जाता है, यानी कि अगर सेल्स का है तो सेल्स मैनेजर के ऊपर पड़ेगा बर्डन। ठीक है, कि उसने ये मनी क्यों स्पेंड की है, किस लिए की है, डिटेल में इसका आंसर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्या लिखा है? द अप्रोच रिक्वायर्स दैट ऑल एक्टिविटीज बी एनालाइज्ड इन डिसीजन पैकेजेस, यानी कि एक डिसीजन पैकेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी सभी को हमने एनालाइज करना है, जो कि इवेल्युएट की जाएंगी सिस्टमैटिक एनालिसिस से और उन्हें रैंक किया जाएगा उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, यानी कि कैसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले हमने क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन देयर प्रपोज बजट। इसका मतलब क्या है कि हमने देखना है कि कौन कौन से यूनिट्स है जहाँ पे हमने जो है डिसीजन लेना है। ठीक है, ताकि हम उसकी हर एक आइटम का बता सके कि कितने आइटम का एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, जो हमने जिसका बजट बनाना है, जैसे सपोज करो कोई भी यूनिट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लो, उसमें हमने डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हम हर एक आइटम का एक्सपेंडिचर जानेंगे कि क्या इसका एक्सपेंडिचर है और क्या इसका बजट आगे बनेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना है डिसीजन यूनिट कि किस यूनिट पर हमने डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्या है? प्रेपरेशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। फिर हमने क्या करना है? डिसीजन पैकेजेस बनाने हैं। ईच पैकेज इज अ सेपरेट एंड आइडेंटिफाइबल एक्टिविटी। दीज पैकेजेस आर लिंक्ड विद कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव। जब हमने डिसीजन पैकेजेस बनाने हैं तो उसमें क्या करना है? हर एक पैकेज की जो है, हर एक एक्टिविटी का एक पैकेज होगा। ठीक है, और ये पैकेज किससे रिलेटेड होंगे? कंपनी के ऑब्जेक्टिव के, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसीजन लेना है। सो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली हर एक एक्टिविटी का एक डिसीजन पैकेज बनेगा। नेक्स्ट क्या है? थर्ड स्टेप, रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हमने डिसीजन पैकेजेस बना लिए उसको हमने क्या करना है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी लगी है, हमारा खर्चा कितना हुआ है और हमें उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। देन उसके बाद क्या है? अलॉटमेंट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन द अबव रिजल्टिंग बाय द फॉलोइंग पिरामिड रैंकिंग सिस्टम टू इंश्योर ऑप्टिमल रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? फिर बाद में जब हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया, फिर हमने क्या करना है? फंड्स अलॉट कर देने हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आया पहले हमने रैंक कर दिए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हमने रैंकिंग कर दी। देन फिर उसके बाद हमने क्या करना है? अलॉटमेंट कर देनी फंड्स की, फंड्स अलॉट कर देने कि कितना कितना, मतलब कि इन फ्यूचर जो है बजट में कितना फंड्स लगेंगे। ठीक है, डिसीजन पैकेजेस आर सेल्फ कंटेंट प्रपोजल सीकिंग फंड्स। ईच डिसीजन पैकेज विल क्लियरली एक्सप्लेन द एक्टिविटी एंड नीड फॉर आइटम एंड अमाउंट इन्वॉल्व, बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल,
the loss that may be incurred if it is not done etc. decision packages basically होते क्या, एक तरह का proposal होता है कि मतलब कि ये वाले item को इतना fund लगेगा, इतनी amount लगेगी, इसका ये cost लगेगी, इतने इतने इसके benefit होगा, ठीक है, और इतना loss हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हर एक activity का decision package बनता है वो properly detail में होता है। zero base का मतलब क्या है, from scratch, यानी कि in detail आपने mention करना है। so ये थे इसके steps ज़ीरो बेस बजटिंग के। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है ज़ीरो बेस बजटिंग के। फर्स्ट क्या है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल अप्रोच, सो इट प्रमोट्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिकॉज इट रिक्वायर मैनेजर टू रिव्यू एंड जस्टिफाई देयर एक्टिविटीज़ और फंड रिक्वेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो बेस बजटिंग जो है वो क्या करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रमोट करता है। वो कैसे, क्योंकि हर एक मैनेजर को चाहिए कि जो भी मैनेजर सेल्स का है, सेल्स मैनेजर देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, वो अपनी एक्टिविटीज़ को देखेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से डिसीजन पैकेजेस बनेंगे, क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। सो ये एक तरह का इन डिटेल्ड बनता है बजट, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है या प्रमोट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्टाफ एंड सपोर्ट एरियाज दैट इज़ नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द इनपुट ऑफ दीज एरियाज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनल आउटपुट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये अप्रोप्रिएट यानी कि किसके लिए यूजफुल है, स्टाफ के लिए, ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया मतलब जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती उनके लिए ये है, क्योंकि जो इनपुट्स होती हैं इनकी वो आउटपुट जो बनती है ऑर्गेनाइजेशन की उससे रिलेट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट कंसिडर्ड एवरी टाइम अल्टरनेटिव वेज ऑफ परफॉर्मिंग द सेम जॉब बिकॉज ज़ीरो इज टेकन एज अ बेस एवरी टाइम एट द प्रेपरेशन ऑफ बजट। वो कहते हैं हर टाइम जब हम सेम जॉब को जब हम दोबारा से एनालिसिस करेंगे या कंसीडर करेंगे हर एक जॉब को, फिर हम अल्टरनेटिव वे निकालेंगे जिससे क्योंकि मतलब कि जो जॉब है उसमें हम बेस क्या लेते हैं, ज़ीरो, मतलब फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए हर बार सेम जॉब को अगर हम देखें तो उसका अल्टरनेटिव वे निकलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट परफॉर्म मैनेजमेंट प्रोसेस ऑन एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट रिक्वायर मैनेजर टू रिव्यू देयर एक्टिविटीज़ एवरी टाइम व्हेन बजट इज़ डेवलप्ड। इसका मतलब क्या है कि हर बार मैनेजर को अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा से इवेल्यूएट करनी पड़ती है, रिव्यू करनी पड़ती है जब भी उसने बजट बनाना है। सो इसलिए से बोला गया है ये डिसीजन मेकिंग जो है ये मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन मेकिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमने उसको कैसे एलोकेट करना है सो डैट हम ऑप्टिमल बेस्ट यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये इसके लिए हेल्पफुल है मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन विद इन द फर्म इज इम्प्रूव्ड एंड कम्युनिकेशन चैनल्स आर स्ट्रेंथन। इससे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगी एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से, ये कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे मतलब क्या, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होती है फ्रॉम टॉप टू लोअर मैनेजमेंट तक जाती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, उसी तरह से ये है कोऑर्डिनेशन बनी रहती है या इम्प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ज़ीरो बेस बजटिंग क्रिएट्स अ मोटिवेशनल इम्पैक्ट। जितने ज़ीरो बेस बजटिंग में पार्टिसिपेशन होगी एम्प्लॉयज़ की या मैनेजमेंट की उतना ज़्यादा ये मोटिवेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सर्विस डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट। यानी कि बेसिकली ज़ीरो बेस बजटिंग किसके लिए यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं यूज़ होती, बेसिकली ये होती है सर्विस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट मेक्स मैनेजर कॉस्ट कॉन्शियस एंड हेल्प्स देम इन आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज़ इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हेल्प करता है मैनेजर को कि मतलब कि कॉस्ट कैसे हमने बचानी है, कॉस्ट कॉन्शियस हो जाता है कि ये इतनी कॉस्ट कैसे लगेगी, पूरा डिटेल में मेंशन करना होता ना, सो इसलिए, ठीक है। और बताता है कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए ओवरऑल इंटरेस्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का देखें। ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। अब हमने करने डिफेक्ट्स ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। डिफेक्ट्स को हम लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग।
इसकी क्या लिमिटेशंस है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की। सो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, फर्स्ट क्या है, द पेपर वर्क विल इंक्रीज पीरियोडिकली ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन पैकेजेस। इससे क्या होता है, हमारा पेपर वर्क बढ़ जाता है क्योंकि हमने हर एक एक्टिविटी का एक एक डिफरेंट डिसीजन पैकेज बनाना होता है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है पेपर वर्क जो हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग वेरियस पैकेजेस मे बी हाई इन लार्ज फर्म इन्वॉल्विंग वास्ट नंबर ऑफ डिसीजन पैकेजेस। अब ये देखो, हर एक पैकेज को बनाने में कॉस्ट तो हमारी लगेगी, हर एक एक्टिविटी का हर एक डिफरेंट पैकेज बनाना, सो उसका जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है, जो कि सिर्फ लार्ज फर्म्स ही बियर कर सकते हैं, ये सूटेबल नहीं है स्मॉल फर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, रैंकिंग ऑफ पैकेजेस इज़ वेरी ऑफन सब्जेक्टिव एंड मे गिव रिस्क टू कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो पैकेजेस को हम रैंक करते हैं वो एक तरह से सब्जेक्टिव होती, बायसनेस होती, क्योंकि मैनेजर वो होता है वो अपने अकॉर्डिंगली करता है, सो ये थोड़ा सा जजमेंटल हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स भी राइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है, बैड मैनेजर्स में रिसीव न्यू आइडियाज़ एंड चेंजेस एज दे फील थ्रेटन्ड बाय ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। कई मैनेजर्स क्या होते हैं, वो जो न्यू आइडियाज़ हैं उन्हें मना करते हैं, रिसीस्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग उनके लिए एक तरह का थ्रेट होता है कि पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट होता है ना, सो इसलिए। नेक्स्ट क्या है, सम एक्टिविटीज़ में हैव क्वालिटेटिव रेदर देन क्वान्टिटेटिव बेनिफिट्स एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई सच एक्टिविटीज सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि सभी एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में मैंशन कर सकते या फिगर्स में करें, क्योंकि कई एक्टिविटीज़ होती वो क्वालिटेटिव इन नेचर होती, क्वान्टिटेटिव नहीं होती। क्वान्टिटेटिव मतलब 1, 2, 3 इन फिगर्स, ठीक है। सो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एक एक्टिविटी को क्वांटिफाई करना। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एग्जांपल ले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव होती मोस्टली एक्टिविटीज़, क्वांटिटेटिव नहीं होती। या एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क ले ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज या डिफेक्ट्स, ठीक है, कौन सा है, इट मे ले मोर एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लास्ट क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑन ईच पैकेज मस्ट बी कॉन्टिन्यूली अप टू डेटेड टू बी रेलिवेंट एंड न्यू पैकेजेस आर टू बी डेवलप्ड एज सून एज न्यू एक्टिविटीज इमर्ज। उन्होंने क्या कहा है, जैसे हम एक पैकेज का डिसाइड करते हैं कि क्या कॉस्ट इसकी होगी, क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे, हमें ये ज़रूरी है कि हर बार हमें अप टू डेट करना चाहिए, अपडेटेड करना चाहिए पैकेजेस को इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली, सो डैट अगर कोई नई एक्टिविटी आती है कोई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नया पैकेज भी ला सकें और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपडेट करना चाहिए, ठीक है। सो ये थे हमारे डिफेक्ट्स ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। सो इसी के साथ हमारा ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टॉपिक ख़त्म होता है। सो आज के लिए इतना ही, एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।